हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान आईक्यू स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो को शुरू से देखें। हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भौतिकी यानी फिजिक्स की जो क्लास चलाई जा रही है साइंस में, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से और हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, जो मटेरियल दिया जा रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं और शुरू से वीडियो देखें ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके और आप एग्ज़ाम के अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। और जैसा कि कल की वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था स्टेरेडियन रेडियन उनकी इकाई है, ये क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, मात्रा कैसे आते हैं इनके, और उसके बाद आपको इनसे पढ़ाया था FPS पद्धति में, एंगस्ट्रॉम पढ़ाया था, एंगस्ट्रॉम का मात्रक, एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होती है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, पॉइंट्स के साथ, जो आपके एग्ज़ाम से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं अप्रैल में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं साइंस के लिए यहाँ आराम से इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और देखें, इसको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी आपको तैयारी के लिए। BPSC RPSC जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए, साइंस हो या मैथ्स हो, देखिए आजकल हर एग्ज़ाम का लेवल सेम हो गया लगभग। ग्रुप डी का भी पेपर इतना आसान नहीं आता अब जब पेपर आएगा ना और आप लोग बैठेंगे तब देखना आप, थोड़ा सा कंटेंट्स में अंतर आता है, सिलेबस में अंतर आता है, बाकी कुछ नहीं है, हैं लेवल वही है। कई ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो आपको ग्रुप डी में मिलेंगे, वही SM में मिलेंगे, स्टेशन मास्टर में मिलेगा और वही आपके PCS लेवल के एग्ज़ाम में भी मिल जाते हैं, जो आपके जो ये प्रीमिलर एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर आते हैं क्वेश्चन। साइंस का भी वही हाल है, इसलिए साइंस को बेसिक से बेहतर समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान से फोकस लगाएं। तो चलिए आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए। अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को है अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष और पारसेक, ये दो है, का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष और पारसेक का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष और पारसेक, ध्यान से देखना आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खगोलीय दूरी को किस में नापेंगे, खगोलीय इकाई क्या है, खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो खगोलीय इकाई हो क्या है, प्रकाश वर्ष है या पारसेक है। अब खगोलीय दूरी क्या होती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो खगोलीय इकाई जो है, खगोलीय दूरी देखिए, खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर है, यह खगोलीय इकाई है। खगोलीय इकाई जो है आपकी, या खगोलीय दूरी जो है आपकी, ये क्या है, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है ये। तो ये चीज़ है आपके, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष को भी एक्सप्लेन किया है, देखिए खगोलीय इकाई आपके समझ में आया ना, कि पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी ही खगोलीय इकाई कहलाती है। और ये प्रकाश वर्ष देखिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, पूरे साल में यानी 365 दिन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, और यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगी वो क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है, और यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या हो जाएगी आपकी, ये जो खगोलीय दूरी है इसको मापने की इकाई क्या हो जाएगी आपकी, प्रकाश वर्ष। मैंने यहाँ लिखा रखा है, पारसेक भी लिखा रखा है, तो प्रकाश वर्ष को मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। अब जैसे कि पिछली क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत बड़ी मान की गणना करने के लिए 10^10 में हम पढ़ाते हैं चीज़ों को, हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष का मान,
एक प्रकाश वर्ष का मान कितना है, 9.46 × 10^15 मीटर होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष का मान, ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है अक्सर, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 × 10^15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 × 10^15 मीटर होता है, ये आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। पारसेक देखिए, पारसेक क्या होता है, पारसेक ये वाला, इसका प्रयोग खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिख दिया है कि अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष और पारसेक का प्रयोग करते हैं, तो दोनों ही है जो खगोलीय दूरी को मापने का काम करते हैं। तो पारसेक भी क्या है, इसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और एक पारसेक का मान कितना होता है, 3 × 10^16 मीटर, ये एक पारसेक का मान है। या आपने पढ़ा होगा किसी किसी किताब के अंदर 3.26 प्रकाश वर्ष है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, तो ये 3.262 है, तो ये आप इसको छोड़ सकते हो, एक डिजिट को, दो डिजिट तक आप याद रख लेना, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी पारसेक क्या है, इससे भी बड़ी इकाई है, किससे, प्रकाश वर्ष से। देखिए आप, एक पारसेक का मान है 3 गुना लगभग है, समझा रहा हूँ आपको, एक प्रकाश वर्ष का मान लगभग 3 गुना है, क्योंकि एक पारसेक में कितना हो रहा, 3.26 प्रकाश वर्ष, तो इससे बड़ा मान हो गया ना पारसेक, तो पारसेक क्या है, प्रकाश वर्ष से ही बड़ा मान हो गया। तो ये भी किस वर्ष, किसके लिए होता है, ये खगोलीय दूरियों को मापने के लिए। तो एक पारसेक का मान 3 × 10^16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, ये भी आप याद रखना। और बाय डेफिनेशन मैंने क्या है, पारसेक को थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है कि पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है, ये इसकी परिभाषा है भाई साइंस में। पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं, हम पारसेक कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आइए आगे देखते हैं। बेरल, अब बेरल है, अब बेरल क्या होता है, ये एक बेलनाकार कंटेनर होता है, हैं, बेरल एक बेलनाकार कंटेनर होता है, यानी एक पात्र होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। एक बेरल का मान है ये। ये कच्चा तेल क्रूड ऑयल मापने के लिए बेरल का प्रयोग किया जाता है, यानी जो कच्चा ऑयल होता है, कच्चे ऑयल का उत्पादन होता है ना, जो क्रूड ऑयल का उत्पादन, उसको मापने के लिए बेरल का प्रयोग किया जाता है। तो एक बेरल बराबर 159 लीटर, ये मैंने यहाँ लिखा है, एक बेरल बराबर 159 लीटर होता है। तो ये एक बेरल का मान हो गया, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्ज़ाम में एक बेरल का मान पूछ लिया जाता है, हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। अगली चीज़ है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, जिस टाइम पे मैं आपको हाई प्रीफिक्स और लो प्रीफिक्स पढ़ा रहा था, 10^-माइनस में और प्लस में जो थे, उस वक्त तो मैंने आपसे कहा था कि एवोगैड्रो संख्या, तो मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो वो टॉपिक आ गया। देखिए मोल, अब मोल क्या होता है, मैंने ये भी कहा था आपसे कि पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है, हैं, तो देखिए किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयव, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयव, अब अवयव क्या होते हैं, अणु हो सकता है या परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, ये क्या कहलाएगा, पदार्थ का अवयव यानी पदार्थ के कण की संख्या कार्बन सी बारह के 0.012 की ग्राम में उपस्थित, कार्बन बारह के उसकी जो मात्रा है कार्बन बारह की जो मात्रा है 0.012 की ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, वो मोल कहलाता है, यानी एक मोल का मान कहलाता है वो, हैं, क्या चीज़, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन C12 के 0.012 की ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, मोल कहलाता है। चूंकि
सी 12 के 0.012 की ग्राम में परमाणुओं की संख्या इतनी होती है, 6.023 इंटू 10^23 होती है, हैं? आई बात समझ में आपके? सी 12 के जो कार्बन 12 है उसकी कितनी मात्रा 0.012 की ग्राम में है, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, जो अवयवों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 6.023 इंटू 10^23 होती है। अतः बाय डेफिनेशन एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, जो एक मोल है ना, ये एक मोल, ये जो एक ये मोल है, मोल बोलूँ या एक मोल बोलूँ एक ही बात है। अतः एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल जो होता है वो पदार्थ की, ये कोमा लगाता हूँ, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अव्ययी तत्वों की संख्या 6.023 इंटू 10^23 होती है। आ रही बात समझ में? इस संख्या को ही एवोगैड्रो नियतांक है या एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ये है आपके एवोगैड्रो संख्या की परिभाषा। तो एक मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 इंटू 10^23 होती है। इसी संख्या को एवोगैड्रो नियतांक या एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक, और मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है या समझाया है वो आपके बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाए होंगे, और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जब आगे एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो ग्रुप डी के हो, चाहे एनटीपीसी के हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो, पुलिस के हो, तो अगर उसमें साइंस, आपको मालूम है साइंस हर जगह आती है, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेट मिलेंगे और डेफिनेट मिलेंगे, हैं? इसलिए आप बेहतर तैयारी कीजिए। और मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को उन विद्यार्थियों तक आप ज़रूर पहुँचाएँ जो गांव में दूर दराज हैं, जो कोचिंग में असमर्थ हैं, कोचिंग आने में हैं, और अपनी तैयारी को लेकर डेडिकेट हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है, उन तक ये आप शेयर करके, सब्सक्राइब करके वहाँ तक आप पहुँचाइए, ताकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके। जितनी मेहनत से मैं इन चीज़ों को बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी एक छोटी सी कोशिश, मैं जिस शिद्दत से कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप भी उसी शिद्दत से मेहनत करें और सबका सहयोग करें, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, भाई हैं आपके, सबका सहयोग करें, ताकि ये चीज़ जो मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ ये सभी के काम आ सके, हैं? और आप एक बेहतर तैयारी कर सकें और एक अच्छा मुकाम पा सकें, और मेरी ये छोटी सी कोशिश आपकी सफलता में चार चांद लगा सकें, ताकि मुझे भी सुकून होगा कि यार मैंने जो सोच के मैंने स्टार्ट किया था चैनल, कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्सों के काम आ रहा है, जैसा मेरा सपना था कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि चैनल तो दुनिया में बहुत हैं। तो एक मेरी छोटी सी कोशिश है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। और आज तक की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए। तब तक के लिए आपके बेहतर भविष्य के लिए और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहीं बस विदा लेता हूँ। जय हिंद, टेक केयर।